हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 3 दिन के ब्रेक के बाद वापस हमारी ट्रेडिंग कंटिन्यू होती है। इस बीच में मैंने कुछ 2-3 वीडियोस डाले थे, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस। क्या वो आपको पसंद आए हैं या नहीं आए हैं बताना ज़रूर से। तो अभी 10:30 बजे दिन के, एंड मुझे जाना है बाहर, घर का थोड़ा सा सामान लेकर आना है, एंड उसके बाद में फ्रेंड के पास जाना है। वो उसने मेरे को रात में बोला था कि कुछ तो सरप्राइज़ है, देखते कि क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल आके फेमस व्लॉग्स। 3 दिन के बाद बोलना पड़ रहा है, आपके लिए 14 दिन रहेगा बिकॉज 3 दिन का गैप, एंड ये वीडियो कल आएगा। एंड ये जो मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, रिएक्शन चैलेंजेस वीडियोस, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझसे शेयर करना ज़रूर से। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद में। तो सरप्राइज कुछ बहुत ख़तरनाक लग रहा है यहाँ पे, आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। ये प्लैनेटेरियम है, इंडियाज़ बेस्ट प्लैनेटेरियम, 3D एक्सपीरियंस कुछ है। ये देखेंगे क्या होता है, मस्त लग रहा है जो भी है। सो अभी फाइनली हम लोग अंदर तो आ गए हैं। ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, एंड इतना ज़्यादा ये 3D का अच्छा फील है, एंड बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये स्कूल में है मेरे फ्रेंड के, ऐसी सब चीज़ों से ना बच्चों को एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है स्टडी का, एजुकेशन करने का। इसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई है कि कौन कौन से प्लैनेट्स है, गैलेक्सी क्या होती है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या अपने स्कूल में, बताना मुझे। तो बहुत ज़्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस था, एंड आपको किस तरह से लगा, एंड क्या आपको लगता है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन हो सकता है या नहीं, तो बताइए हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड उसके अलावा अभी थोड़ा सा जलेबी खा रहे, एंड इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करनी हूँ जो कहीं और जाके मैं डिस्कस करनी हूँ। A few moments later. उसके बाद और क्या है? Fin Nifty. One hour later. बस जी मम्मा। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा। मम्मा के आज खाना खा रहे, बहुत जान पे आ रहा था मेरे को, बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। तो वो उनका हाथ कल तक तो लड़ रहे थे उनके साथ, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, वो आज हाथ से खाना खा रहे। बस बस बस, अरे रुको रुको, सही रुको रुको जी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जस्ट खाना खा के ख़त्म हुआ, एंड लोग बोलेंगे कि क्या बचपना कर रहा है भाई, हम तो ऐसे ही खाना खाते हैं मम्मी के हाथ से। आज मैं और मेरी बहन ने खाए, एंड क्या आप लोग भी खाते हो क्या ऐसे? कहते लाड़ नहीं करते आपके मम्मी, हमारे मम्मी बहुत लाड़ करते, चिढ़ते हैं भाई सच। कल तक तो बहुत बहस बहस चल रही थी, अब ठीक है, अब ख़त्म हो गई है। एंड एक जो इम्पोर्टेंट वीडियो मुझे बनाना था, बचपन से मैं छोटा बच्चा था ऐसे ही खाना खाता, तो भाई एक इम्पोर्टेंट जो वीडियो मैं आपको बताने वाला था वो आप यहाँ पे देख लेना, एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, ये वीडियो को पूरा देखना है, मज़ा आएगा। वैसे आपने टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा वीडियो किस टॉपिक पे है, एंड अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो आगे कंटिन्यू करिए, या अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आपके लिए वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो सुबह से जो मैं बता रहा हूँ कि आपको एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो स्टार्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट बात, तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। 2 बड़े यूट्यूबर्स हैं, एंड जिसमें से एक खुद को बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, तो उनका कंट्रोवर्सी हो गया है संदीप महेश्वरी सर के साथ। मैं आपको नाम भी बताऊँगा, नाम छुपाने से कुछ है नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि इन संदीप महेश्वरी सर के 2 दिन पहले का एक वीडियो था जहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था
कि एक पर्सन है उनके शो में, जो भी लोग आते हैं, जो स्टूडेंट्स मोस्टली आते हैं, तो दो स्टूडेंट्स आए थे एंड उन दो स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि कोई है शख्स जिसने उनके साथ में स्कैम किया है। उसने बोला था कि उनको बिजनेस सिखाएगा, बट उसने बिजनेस तो छोड़ो, वो कैसा उनका बिजनेस मॉडल मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूँ, मुझे अपना कोर्स बेचना है, तो मैं आपको मेरा कोर्स बेचूंगा एंड वो कोर्स मैं आपको बोलूंगा कि किसी और को बेचो ताकि आपकी अर्निंग हो, समझ रहे हो। एंड उसके बाद में फिर तो ये सब कंट्रोवर्सी हुआ, वीडियो आया एंड उसके बाद में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गए एंड उन्होंने ये मैसेज डाला, माई टीम इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक एब्सोल्यूटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो संदीप महेश्वरी सर को किसी के कॉल्स आ रहे थे, एक लीगल टीम की तरफ से नोटिस भी आई जो किया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने, एंड जिसके रिगार्ड पे उनको कुछ कॉल्स आ रहे थे, इनके पास में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी है, तो इनकी टीम ने तो यही बोला कि हम कुछ भी हो जाए ये वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे। एंड उसके दूसरे दिन एक और संदीप सर की तरफ से ये आया, एक क्या बोलेंगे, संदीप सर की तरफ से एक मैसेज आया जहाँ पे उन्होंने क्लियरली नाम के साथ में मेंशन किया है मेरे प्यारे विवेक, एंड यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रहे हैं एंड यहाँ पे उन्होंने सब कुछ बताया कि मेरा इंटेंशन किसी को टारगेट करने का नहीं था या फिर स्पेशली तुमको टारगेट करने का नहीं था, बच्चों ने बस मुझे ये बताया, उसके बिहाफ पे मैंने जो भी रिएक्शन अपना देना चाहिए था मुझे जो सही लगा वो दिया है। अब इसके बाद में अगर आप सही नहीं हो या फिर आप गलत नहीं हो और आप सही हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ये जो चीज़ है ये पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, एंड अगर आप गलती कर रहे हो तो जो भी इसमें रहेगा कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद में बड़ा बिजनेस को भी उन्होंने कुछ टारगेट किया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारा यूट्यूबर और यूट्यूबर कम्युनिटी आपके खिलाफ में खड़ी हो जाएंगी अगर आप लोगों के साथ इस तरह से स्कैम कर रहे हो। तो बेसिकली वो जो एक बंदा था उसने यही बोला था कि हमको बताया था कि बिजनेस आपको सीखने को मिलेगा, बट इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही थी, एक तो आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा या सेकेंड आपने जो पैसा दिया है, एंड ये जो कोर्स है 200-300 रुपए के कोर्सेज नहीं है, ये कोर्सेज 40-50 हज़ार के, एंड सबसे महंगा कोर्स 10-10 लाख रुपए का है, एंड विवेक बिंद्रा को तो 21 मिलियन लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। अब अगर उनको चाहिए था कि ये स्कैम को, लाइक डॉक्टर विवेक बिंद्रा को तो 21 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, उसमें से सिर्फ 1 लाख लोगों ने भी वो खरीदा होगा कोर्स 50 हज़ार का, तो वो 500 करोड़ का टर्नओवर होता है, विच इज़ वेरी ह्यूज। एंड यहाँ पे तो संदीप सर क्लियरली उनको चैलेंज कर रहे हैं कि पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो CM हो या PM, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड उसके बाद में एक लास्ट में जो कोट था, नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा, उसके बाद में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के भी कुछ रिप्लाई तो आने ही थे, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा सा मैसेज इसमें डाला है जो शुरू होता है संदीप भाई, एंड इन्होंने यहाँ से किया है स्टार्ट के, संदीप भाई आई वॉच, मैंने तो आपका प्रीवियस वीडियो देखा है जहाँ पे आप बता रहे हो कि बहुत बड़ा कोई स्कैम चल रहा है और आपने ओपनली मेरा नाम तो नहीं लिया था पहले, बट अब ले रहे हो, उसके अलावा मैं जो लोगों को सिखाता हूँ वो बहुत जेन्युइन है, उसके अलावा मैं भी एक MBA प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए थे जो आपने डिलीट कर दिए हैं, और रेड हैंडेड में कुछ पकड़ा गया हूँ नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि मैं भी लोगों का सपोर्ट करता हूँ, मैं भी लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करता हूँ, बहुत से लोग हैं जिसको मेरे से फ़ायदा हुआ है, बहुत सारी बातें इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी चली है। अब ये तो हो गया आपको कॉन्टेक्स्ट, अब इसमें सही और गलत की अगर बात आती है तो ऐसा ट्रेडिंग में भी होता है अक्सर कि बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं और बहुत से लोग जो है आपको ठगने को देखते हैं, बहुत सारे लोग आपसे पैसा लूटने को, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, देखते हैं एंड झूठे वादे वगैरह करते हैं, एंड झूठे वादे वगैरह करते हैं, जिससे होता ये है कि जो
कॉमन मैन है जो इंसान सोचता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ या मैं बिजनेस करूँ जॉब ना करूँ, ऐसे लोग इन सब चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप होने का मतलब ये है कि वो अपनी मेहनत के पैसे, मेहनत की कमाई, मेहनत की सेविंग्स सारी कुछ ला के इसमें डाल देते हैं और उसके बाद में इनके पास में कुछ नहीं बचता, ना जॉब, ना बिजनेस, ना कॉन्फिडेंस, ना पैसा। तो इस तरह के स्कैम से आप लोग अवेयर रहें। सही है गलत आप लोग डिसाइड कर लेना कमेंट्स में, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन सही है कौन गलत है, या फिर संदीप सर ने समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग की, या विवेक बिंद्रा के साइड से जो भी आया था क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन एक्शन, वो सही है गलत है ये आप लोग, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता हर चीज़ की जानने वाली है, पब्लिक हर चीज़ को जानने वाली है, सही और गलत का डिसीजन भी पब्लिक ही लेंगी। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज ये चीज़ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो गया था बिकॉज इसके पहले भी बहुत सारे स्कैम्स हुए जो ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, तो ये सारे स्कैम्स को हमको रोकना है, इसलिए ये वीडियो बन रही है, उसके अलावा तो कोई और रीज़न है नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू सून इन टुमारोज़ व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। आई को बीच में यार तेरे dance 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 dance